हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी 265 पदों पर भर्ती आई है। जब से वैकेंसी आई है उसके बाद कंप्यूटर साइंस को लेके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बहुत सारे बच्चों को काफ़ी सारे डाउट हैं। कल भी हमने कुछ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी और एक पॉइंट रह गया था बीटेक आईटी और एमटेक सीएस, कि अगर मेरे पास बीटेक आईटी है और मैंने एमटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखा है और बीटेक मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। क्योंकि कल जब मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद बच्चों के रैंडमली जो है वो क्वेश्चन आ रहे थे कि मैडम आपने ये वाला जो डाउट है या ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपने क्लियर नहीं किया, आपने बात ही नहीं की इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको रीजन बता दूं कि मैंने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की थी, क्योंकि भाई मैं जो है वो 100% श्योर नहीं थी। मैंने कई जगह पता किया था बट प्रॉपर जो है चीज़ें नहीं आई थी। अगर हम प्रॉपर नोटिफिकेशन देखें तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। उसके बाद जो है कई सारे बच्चों ने या मैंने भी जो खुद एचपीएससी में कॉल वगैरह किया और वहाँ पे जो बात हुई उन्होंने बताया कि भाई जो बीटेक आईटी और जो एमटेक जो सीएस वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, अब कई रीजंस हैं इसके। ठीक है भाई, 100% देखो, अगर आपका नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, लेकिन अगर आप नॉर्मली कोई भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस या कोई भी वैकेंसी या कोई भी कुछ उठाकर देखोगे तो वहां पे साफ साफ होता है जैसे बीटेक आईटी या फिर सीएस, इस तरीके से स्लैश लग के बहुत सारी नोटिफिकेशन है। चाहे वो आप कंप्यूटर साइंस की नोटिफिकेशन लगा लो हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी आई है तो हरियाणा की ही बात कर लेते हैं। जब एशियड पीजीटी कंप्यूटर साइंस या जब स्क्रीनिंग की बात होती है तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन होता है बीटेक आईटी से हो या फिर सीएस से हो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सेम ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी इंजीनियरिंग वैकेंसी यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, तो भाई नॉर्मल ग्रेजुएशन यानी कि बीसी एमसीए वाले एमएससी वाले बच्चे एलिजिबल तो नहीं है। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने बीटेक कर रखा है और आपका एमटेक कर रखा है वो बच्चे एलिजिबल हैं। तो भाई जो आईटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने बीटेक आईटी से या फिर जो है एमटेक सीएस से या जिन्होंने बीटेक सीएस से कर रखी है एमटेक आईटी से कर रखा है, भाई अब जो मेरा कंफर्मेशन हुआ है उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोग एलिजिबल हो। जगह जगह अगर हम देखें या फिर आप AICTE का किसी का भी देखो तो भाई बीटेक आईटी और बीटेक सीएस जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं और सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे मैं अगर हरियाणा में बात करूँ तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक सीएस वाला भी एलिजिबल है और बीटेक आईटी वाला भी एलिजिबल है। तो भाई जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो एलिजिबल है। ठीक है भाई, तो अगर ऐसे एलिजिबल नहीं होंगे तो बीटेक आईटी वाला बच्चा फॉर्म किसका भरेगा, क्योंकि इसमें बीसीएमसी वाले बच्चे तो एलिजिबल है नहीं। ठीक है, अब कई बच्चों का मेरे ख्याल से ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका बीटेक आईटी से है या आपका बीटेक सीएस से है और उसके बाद आपने एमटेक आईटी या सीएस से कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने जो है बात किया है, जितना मेरा जहां जहां से सोर्सेज है उससे मुझे पता चला है तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी आप भी अपने बिहाफ पे एचपीएससी में जा सकते हो या बात कर सकते हो, तो आप भी अपना एक बार कंफर्मेशन कर लेना। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं। एक बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि हमने बीसीए कर रखा है या बीएससी कर रखी है। ठीक है, बीएससी है या फिर बीसीए है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एमसीए कर लिया, ठीक है, या फिर एमएससी कर ली और उसके बाद एमटेक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एमसीए और उसके बाद एमटेक कर लिया, तो एमटेक कर लिया है तो क्या हम ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम भर सकते हैं? तो भाई देखो, अगर आपने भले ही एमटेक कर लिया हो लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन है वहां पे भी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में भी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, मास्टर में भी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, तो भाई आप लोग एलिजिबल नहीं है, आप लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि वही है कि भाई देखो प्री है, मेंस है, रिटर्न लिखोगे, भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पेपर निकालना है, निकाल लेते, प्री करोगे, ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद प्री की मेंस प्री होने के बाद एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो हमारा प्री क्लियर हो गया है, घर वालों को भी उम्मीद हो जाती है कि चलो बच्चे ने एक पेपर तो निकाला, अब दूसरा निकल गया तो बस हम इसकी नैया पार हो जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, अब फिर आप मेंस निकालोगे, सब्जेक्टिव निकल जाएगा
और फिर अगर आपको बिना इंटरव्यू दिए क्वालिफिकेशन देख के बाहर कर देंगे तो थोड़ा सा आपके लिए और आपके घर वालों के लिए थोड़ा सा वो निराशाजनक हो सकता है कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है इस तरीके से चीजें हो गई हैं। तो भाई बीटेक उन्होंने साफ साफ लिखा है, इंजीनियरिंग डिग्री बोला है तो इंजीनियरिंग डिग्री में आपका बीटेक और एमटेक ही आता है, तो इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप जैसा करना चाहो आप ऐसा कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, जिसकी इच्छा आपकी जैसी इच्छा आप कर सकते हो। भाई मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगी, बस मैं तो जो आपकी नोटिफिकेशन यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अगर आप एक अच्छे से लाइंस को रीड करोगे तो आपको चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को पढ़ना नहीं आता, हर किसी को पढ़ना आता है। आपने बीटेक एमटेक पीएचडी करके आप बैठे हुए हो तो मतलब हर कोई जो है वो अच्छे से जो क्वालिफिकेशन है उसको पढ़ सकता है, ठीक है भाई। लेकिन क्या होता है कि कहीं और से जब एक ये हो जाता है ना कि हाँ आप एलिजिबल हो तो एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि भाई चलो हम जो चीज कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। थोड़ा सा जो डाउट कहीं ना कहीं मन में रहता है वो चीजें क्लियर हो जाती है किसी दूसरे के मुंह से ये सुन के कि भाई हाँ आप कर सकते हो, ठीक है भाई। ये सारी चीजें तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हाजिर है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैडम एग्जाम कब होगा, प्लस आपका जो सिलेबस है वो क्या रह सकता है। या फिर एक बच्चे ने मुझे बोला था कि आपको कैसे पता कि सब्जेक्टिव पेपर में 15 क्वेश्चन ही आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उन सबके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के ऊपर थी। तो इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।